तो फ्रेंड्स, आपने जो पशु रहते हैं अभी देख सकते हो, हमारे यहाँ अभी बैल है और ये भैंसा है, उनका जो वेस्ट निकलता है, जो गोबर निकलता है, अभी गोबर यहाँ से उठा के अभी हम यहाँ ऐसे गड्ढे के अंदर एक खट्टी किया जाता है। देख सकते हो अभी ये गड्ढा फाड़े हुए, लगभग यहाँ से अभी लगभग 2-3 फीट खोले वो गड्ढा। अभी यहाँ से एक साल भर यह स्टोर होता है, मुझे एक गड्ढे में डाला जाता है या गोबर की खाद, और सेंद्रिय खाद बोलते हैं हम उसको। तो अभी यहाँ से एक साल के बाद दर साल हम ऐसे खद उठा के ऐसे टारलिम भरे जाते हैं। अभी ऐसे ऐसे टारलिम भर रहे, लेवल हो गया, अभी टारलिम भर रहे। देख सकते हो खद कितना जबरदस्त बनता है नीचे, पूरी हम काड़ी कचरा जो भी निकलता है, भूसा कुछ भी निकला, वेस्टेज जो निकलता है उसको अंदर यहाँ स्टॉक करे जाता है। अभी ऐसे भरने काम शुरू है, एक गमले पावड़े से ऐसे भरने भर रहे। अभी खत देख सकते हो ऊपर का भी कुछ नहीं का बाकी है, नीचे देख सकते हो हमने काड़ी कचरा जो भी नीचे डाला था वो पूरा कंपोस्ट हो चुका है। अभी ये टॉर्ली के अंदर ऐसे भरे जा रहा है, देख सकते हो ऐसे टॉर्ली में भर रहे। अभी ये टॉर्ली